हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का इस सैटरडे इवनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। हरी बोल। आप में से सभी पुराने भक्त हैं, कोई ऐसा भक्त है जो पहली बार आया है आज के प्रोग्राम में? आप दो लोग पहली बार। अच्छा, जोर से हाथ खड़ा कीजिए। ओके, हरी बोल। इन सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज एक हम बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज से लगभग 537 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट होते हैं और उनके एक विशेष भक्त थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े पंडित थे, उनको संस्कृत भाषा भी आती थी, फारसी भी, अरबी भी, और उस समय बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे। और बड़ी तरकीब से नवाब की नौकरी को छोड़कर वो महाप्रभु के पास आते हैं और वाराणसी में उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि सारा संसार मुझे पंडित के रूप से जानता है। पंडित मीन्स बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। आजकल तो लोग पंडित बुलाते हैं, मजाक उड़ाते हो, पंडित जी कहाँ जा रहे हो, है ना। अगर आप सड़क पे धोती डाल के निकल जाए लोग पंडित जी कह के छेड़ते हैं, है ना। लेकिन पुराने टाइम में भारतीय संस्कृति में पंडित का अर्थ है जो बहुत विद्वान, जिसका चरित्र अच्छा हो, उसको पंडित कहते थे। तो बोले सारा संसार मुझे पंडित कहता है कि मैं बहुत ज्ञान है, लेकिन मैं यही नहीं जानता मैं कौन हूँ। हम लोग बोले हम सब कुछ जानते हैं, हमने इस सब्जेक्ट में PhD कर रखी है, इतने आगे बढ़े हुए हैं। पूछा जाए आप कौन हैं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। आपसे पूछा जाए आप कौन है तो आप क्या बोलेंगे मैं कौन हूँ? आधार कार्ड दिखाएंगे अपना, है ना, ID दिखाएंगे, नहीं तो वास्तव में वो हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान क्या है? हम आत्मा हैं। तो हम सबके लाभ के लिए सनातन गोस्वामी जी इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ, के आमी मैं कौन हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण का नित्य दास है, यानी कि वी आर द एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। नित्य मीन्स हमेशा ही नित्य दास हैं, 24/7 दास ही रहेंगे। कैसा लगा आपको सुन के कि 24 घंटे पूरा हफ्ता आप नौकर हो, बॉस नहीं हो? सुन के कैसा लग रहा है? हरी बोल, हरी बोल। किसी को बोलो कि आप हमेशा नौकर रहोगे, पूरा जीवन नौकर रहोगे, कैसा लगेगा उसको? इस संसार में हर कोई नौकर बनना चाहता है कि बॉस बनना चाहता है? बॉस बनना चाहता है। बॉस बनने में आनंद है कि दास बनने में आनंद है? बॉस बनने में आनंद है। लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, आप बॉस नहीं, आप दास हो। ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज है। लेकिन वास्तव में असली जो बॉस हैं वो कृष्ण हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य। और हम जो जीवात्मा हैं वो भगवान के दास हैं, सर्वेंट्स। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। तो जितना हम भगवान के दासत्व को स्वीकार करेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे। इस भजन में भक्तिनो ठाकुर यही कह रहे हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तार आर दुख नाई। ये विश्वास कर लो कि मैं कृष्ण का दास हूँ, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब हम बोलते हैं नहीं मैं दास नहीं मैं बॉस बनूंगा, एवरीवन शुड रिपोर्ट टू मी, सब कुछ मेरे सामने, सबको मेरे सामने झुकना चाहिए। हर कोई बॉस बनने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे, तो हर कोई बॉस बनेगा तो कैसे काम चलेगा? सब में लड़ाई झगड़े तभी हो रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, आप सब लोग मंदिर में आते हैं तो हम यहाँ इसलिए आते हैं अपने आप को, हम असली स्वरूप को जान सकें कि हम कृष्ण के क्या हैं, दास हैं। आपको मालूम है इस संसार में किसी पागल व्यक्ति को देखा आपने? देखा किसी पागल व्यक्ति को? अच्छा, पागल व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो मेंटली अपसेट हो। सारे अपसेट हैं यार।
इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति जो अपसेट नहीं है। हम एक बारी गए थे दिसंबर के महीने, गीता मैराथन चल रही थी, किसी घर में गए, तो छोटी सी बच्ची थी, थर्ड क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने बोला हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, कहती हाँ एक माला करती हूँ। तो मैंने बोला आपको क्या लाभ हुआ, कहती जब से मैंने एक माला का जप करना शुरू किया मेरी टेंशन दूर हो गई है। मैंने क्या टेंशन है थी आपको, कहती मेरी साइकिल पंक्चर हो जाती थी जब से हरे कृष्ण माला शुरू किया साइकिल पंक्चर नहीं हो रही, मेरी टेंशन दूर हो गई। तो इस संसार में हर कोई मेंटली परेशान है, तो पागल और क्या डेफिनेशन हो सकती है, किसको हम बोलेंगे पागल है। जिसका सुदबुद्धि नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, हर किसी को लगता है दूसरे को पता नहीं वो क्या और कोई प्रिसाइज डेफिनेशन किसको बोलेंगे, ही इज मैड। जो कृष्ण का दास नहीं, दास तो सभी हैं, जो मानते नहीं है। ठीक बात है। तो वास्तव में पागल वो व्यक्ति है जो जानता नहीं कि मैं कौन हूं, वो अपनी गलत पहचान से अपनी आइडेंटिफाई करता है, है ना। एक बारी बहुत साल पहले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, वो आगरा में गए, आगरा के पागल खाने में गए थे, और वहाँ पागल खाने में हर पागल उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। कोई कह रहा था मैं डॉक्टर हूँ, कोई कह रहा था मैं चीफ इंजीनियर हूँ, कोई क्या बोली जा रहा था, ऐसे हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो नेहरू जी के बड़े परेशान हो गए, बड़ी बुरी हालत है। कोने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बड़ा सीरियस, एकदम चुपचाप, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, हरे बोल बात मत कीजिए, काफ़ी सीरियस बैठा हुआ था। तो नेहरू का लगा यार ये अजीब सा, अच्छा एक बड़ा डिसेंट व्यक्ति है, सोबर व्यक्ति है। तो नेहरू उनके पास गए, बोले आप यहीं पे हैं, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा, आप कौन हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा आप कौन हैं, तो नेहरू ने बड़े विनम्रता से बोला मैं जवाहरलाल नेहरू, है ना। जैसे ही सुना उस व्यक्ति ने जोर से हंसना शुरू कर दिया, हंस के हो रहे हो, कहता 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना मैं भी यही बोलता था तो पागल वो व्यक्ति है जो अपनी गलत पहचान बताता है। तो इस संसार में वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति पागल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को एक शरीर समझ रहा है, लेकिन वास्तव में हम क्या हैं, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा। तो हम ये जान पाएं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, इसी के लिए हम इस हरे कृष्ण आंदोलन में आते हैं। और यहाँ आकर मुख्य काम है हम अपने वास्तविक स्वभाव को जान सकें, अपने स्वरूप को जान सकें। उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, खूब सेवाएं करनी चाहिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, हाँ हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा दीजिए। तो सेवा खाली कहने के लिए मांगना नहीं है, बल्कि सेवा आए तो उसको करनी भी है। इसका मतलब जब हमारे को कोई सेवा मिलती है तो ये राधा रानी और कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हमने सेवा मांगी तो सेवा मिल गई, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी कृपा हो गई ना, जो चीज़ मांगी वो मिल गई। तो इसलिए सेवा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करें और सेवा भी करें, तो हम अपने असली स्वरूप को कि हम कृष्ण के दास हैं उसको जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा। जब तक हमें दो काम नहीं करेंगे, माला करना और सेवा करना, हम इस भ्रम में रहेंगे कि मैं लुधियाना का रहने वाला ये लड़का हूँ, मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूँ। ये हमारी गलत पहचान है। असली पहचान क्या है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ। इसलिए हर किसी को खूब सेवा करनी चाहिए। आप से कितने लोग यहाँ के रोज़ सेवा करते हैं, हफ्ते में एक बारी सेवा करते हैं, महीने में एक बारी कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल सेवा नहीं करते, सेवा जानते हैं कुछ, आगे कुछ प्रैक्टिकल सेवा करनी है। अभी आप इस क्लास में बैठे हैं, ये सेवा है कि नहीं है,
ये भी सेवा है, एटलीस्ट तो एक सेवा तो आप कर ही रहे। इसके साथ साथ हमने हफ्ते में केवल एक दिन ही नहीं आना कि चलो एक दिन क्लास सुनेंगे, नहीं, क्लास में आना भी सेवा है, आपको जान के खुशी होगी, प्रसाद पाना भी सेवा है। तो प्रसाद पाने की सेवा रोज कौन करेगा? नहीं करनी आपने प्रसाद पाने की सेवा? प्रसाद पाना है आपको? नहीं करना, पाना है ना, प्रसाद पाओगे तो उसकी सेवा होगी। बोलो प्रसाद पाने की सेवा कौन कौन करेगा? तो कितना आसान है देखो सेवा करने में। अच्छा, भगवान के सामने कीर्तन करना सेवा है कि नहीं है? तो कीर्तन की सेवा कौन करना चाहेगा? भगवान के सामने नाचना, कितनी इंटरेस्टिंग सेवाएं हैं, है ना। पुस्तक वितरण करना सेवा है कि नहीं है? हरी बोल, पुस्तक वितरण करना भी सेवा है। तो सेवा जितना अच्छा हो उतना सेवा लें, है ना। जितनी सेवा करेंगे, भक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं, आप उतना खुश रहेंगे। कितने लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं? इस संसार में हर व्यक्ति परेशान है। क्यों? हर व्यक्ति सोचता है मैं बॉस बन के खुश हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में रहस्य क्या है? दास बन के खुश होंगे। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार जापान में गए थे। जापान में कंपनी है डाइन निपन कंपनी, वो कंपनी जो थी डाइन निपन कंपनी से प्रभुपाद जी अपनी कृष्णा बुक प्रिंट करवा रहे थे, नेगोशिएशन के लिए गए थे। तो वहाँ नेगोशिएशन में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे, नेगोशिएट हुई। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो लास्ट में उनका एक डिप्टी मैनेजर बैठा था, प्रभुपाद ने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, प्रभुपाद ने उसको प्रचार करना शुरू किया। प्रभुपाद ने बोला आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले अभी बताता हूँ। अपने कमरे में गया, वापस आया, बहुत से विजिटिंग कार्ड लेकर आया, बोले ये मेरा नाम है, मैं हूँ डिप्टी मैनेजर, नीचे रखा, ये मैनेजर उसके ऊपर रखा, ये सीनियर मैनेजर, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट, ये चेयरमैन, ऐसे कार्ड ऊपर रख दिए। मेरे जीवन का लक्ष्य है, अपना कार्ड सबसे नीचे उतार के जो चेयरमैन के ऊपर रख दिया, मेरा जीवन का लक्ष्य है इसका बॉस बनना। तो इस संसार में हर व्यक्ति बॉसों का बॉस बनना चाहता है और इस चक्कर में टेंशन में रहता है, परेशान रहता है। अगर हम यहाँ मंदिर में आते हैं और मंदिर में हम सेवा करना सीखते हैं, तो जो सेवा है वो हमें भगवान की विशेष कृपा प्रदान करवाती है। और जितनी हम सेवा करेंगे उतनी हम माया से बचेंगे। एक फार्मूला है हमारे पीछे, बोलिए, सेवा सेव्स। क्या? सेवा सेव्स। सेवा हमें बचाती है किससे? माया से। माया जानते हैं क्यों होती है? हैं? हाँ, माया की तुलना भक्तिनो ठाकुर जी ने एक पिशाचनी से, चुड़ैल से की है। हम सब लोग माया की गोद में सो रहे हैं। अगर आप किसकी गोद में सो रहे हैं, आंखें खोले तो देखो वो चुड़ैल है, कैसे लगेगा आपको? तो वास्तव में माया चुड़ैल के समान है जो हमें बहुत सताती है। तो अगर हम सेवा करेंगे तो किससे बचेंगे? माया से बचेंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने ये मंदिर खोले हैं ताकि हम सब जीवों को मौका मिले कि यहाँ आके हम खूब सेवा करके अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त कर सकें। अब जो हम सेवा करते हैं इसको बड़े सही तरीके से करना चाहिए। पहली तो बात यह है कि हम सेवा की इम्पोर्टेंस को जानें कि सेवा क्यों करनी चाहिए। तो कौन बताएगा? अभी जो चर्चा की है सेवा करने से क्या क्या लाभ होगा, आप अपने उससे बताइए। जब जब आपने सेवा की आपको क्या क्या लाभ हुआ? मन को संतुष्टि मिली, वेरी गुड, सेटिस्फेक्शन। और सेवा से क्या लाभ मिलता है? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्रेंडशिप बढ़ती है। और हैं, टाइम का सबसे अच्छा यूज़ है, वेरी गुड। और उत्साह आ जाता है, और यस, मन शुद्ध होता है, वेरी गुड। और हाँ, माया से बचते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वेरी गुड। और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, सेवा में फोकस हो जाते हैं। और क्या फ़ायदा होता है सेवा करते हैं? और हाँ, भगवान के प्रति और अट्रैक्शन होता है, भगवान से हमारा संबंध बन जाता है। आप सेवा करेंगे अगले दिन आप देखेंगे माला भी अच्छी होगी आपकी, ओके। और
सेवा ना करने से क्या क्या नुकसान होता है? अगर आप सेवा नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होता है? देहात्म बुद्धि में हो जाते हैं। और किसी का एक्सपीरियंस है काफी समय सेवा से दूर रहा, उसको कैसा लगा? सेल्फिश हो जाता है। बहुत अच्छी बात, सेल्फिश होते हैं, हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। और माया का इल्यूजन, हाँ, अहंकार बढ़ जाता है। यस, सो बहुत जरूरी है। तो अब हाँ, हाँ वो चर्चा करेंगे। इनका मतलब है कि किसी स्वार्थ से अगर कोई सेवा करता है तो उसे क्या लाभ होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ समझ गए, इतना समझ गए कि हमारा स्वरूप है कृष्ण की हमेशा सेवा करना। सेवा करने से हमें क्या क्या लाभ प्रैक्टिकल महसूस करते हैं, सेवा ना करने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। अब हम सेवा का सही लाभ उठा सकें तो सेवा को सही एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति में हम कितनी तरक्की करेंगे ये निर्भर करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मतलब कैसा हमारा रवैया है। तो इस सेवा के एटीट्यूड को हमने पॉलिश करना है और अच्छे से अच्छे ढंग से सेवा करनी है। तो उसमें चार मुख्य बातें हैं, इसको भक्त लोग बोलते हैं टास्क फार्मूला, TASQ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? TASQ फार्मूला। तो सेवा में हमारा सबसे पहला टी का मतलब है टाइम। टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस टाइम पे सेवा होनी चाहिए उसी टाइम पे करनी चाहिए। आप मंदिर में देखते हैं बिल्कुल ठीक सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब पुजारी जी की नींद खुल रही है चलो तब भगवान को उठा दें, है ना, जब जागो तभी सवेरा। कई मंदिरों में ऐसा होता है मंगल आरती का टाइम क्या है 5-6 के बीच में, कभी कभी भी पुजारी जी की नींद खुल गई उठा दिया भगवान को। नहीं, भगवान है, भगवान की सेवा करना है। एक समय होना चाहिए उठाने का, एक समय, एक एग्जैक्ट टाइम। किस समय भोग लगेगा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, किस समय आरती होगी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। ये टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। आपको जन्माष्टमी की सेवा है, आपको बुलाया गया जी सेवा के लिए कि आपको आपको स्टॉल पे खड़ा होना है ना, और ठीक शाम को 6 बजे आ जाना। आप आराम से घूमते फिरते आ रहे हो 8 बजे, बताओ प्रभु जी क्या सेवा है, अरे भाई टाइम तो निकल गया। सो टाइमिंग को बहुत इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। जो हमें सेवा का टाइम दिया जाता है उसको बड़ा पंक्चुअल होना चाहिए। सेवा करने के टाइम से कम हमें कुछ समय पहले पहुँच जाएँ ताकि हम सब चीज़ें अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर लें, है ना। कैसा भी टाइम हो सेवा के लिए व्यक्ति ये टाइम नहीं देखेगा। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को बुलाते थे, मध्य रात्रि में बांसुरी बजाई तो गोपियाँ किसी भी हालत में है छोड़ के जाती थी कि कृष्ण ने हमें पुकारा, जाना ही है सेवा के लिए। उसमें ये नहीं कह रहे इतनी रात है अभी हम थके हुए हैं नहीं आ सकते, ये कोई टाइम थोड़ी है सेवा बुलाने के लिए, पूरा दिन क्या कर रहे थे, दिन में बुलाना चाहिए था, अभी हम बिजी हैं। नहीं, रात को है तो तुरंत भागे, सेवा के लिए भागे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है कि जो हमें सेवा का टाइम मिलता है उस टाइम को हमें वैल्यू करना चाहिए, उसी टाइम के अनुसार हमें पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि हम सेवा को टाइम से शुरू कर सकें, टाइम से फिनिश कर सकें। जैसे हम यहाँ मंदिर में हैं, प्रसाद पाने की सेवा है 9 बजे, आप जो कुकिंग कर रहा है वो आराम से मस्ती से बना रहा है, 9 बजे तक प्रसाद ही तैयार नहीं हुआ कैसा लगेगा? बनाए नहीं, उसने बोले नहीं बना पाया, उसने अपनी सेवा सही ढंग से नहीं की। तो इसी ढंग से हमें भी जो सेवा मिलती है उसको हमें पूछना चाहिए किस टाइम में कितना टाइम हमें मिलेगा, उसी के हिसाब से हमें सब ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपने मनमाने तरीके से नहीं कि कभी भी कर लिया, राइट। जैसे कि भगवान राम सीता मैया के साथ जब वनवास में गए तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम और सीता नीचे ज़मीन पे सो रहे हैं। लक्ष्मण जी को इतना दुख हुआ, लक्ष्मण जी ने उसी समय संकल्प ले लिया कि 14 वर्ष के वनवास के समय मैं एक रात में नहीं सोऊंगा। सोचिए कितने कठोर तपस्या, 14 साल मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरा सेवा डिमांड करती है कि मैं पूरी रात को क्या करूं, उनकी निगरानी करूं। तो पूरा वो निगरानी करते थे कि जंगल में सो रहे हैं, कोई जंगली पशु ना आ जाए, पूरा खड़े रहते थे। तो जो भी टाइम मिले उस टाइम में हमें उसको सेवा करनी है, राइट। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरा है ए, इज फॉर एटीट्यूड। सेवा किस भावना से करनी चाहिए, ओके। तो एटीट्यूड के भी कई भाग हैं। सबसे पहले जो हमें सेवा मिले उसके लिए हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत धन्यवाद देना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर साफ किया जाता है। आपको गए हैं आप जगन्नाथपुरी में, कितने भक्त हैं, गए हुए हैं गुंडीचा मंदिर देखा है? जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई के लिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद सफाई की, और उस समय जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो सुपरिटेंडेंट थे वो थे काशी मिश्र, और वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, इन दोनों के पास गए और इन दोनों से भिक्षा मांगी कि मैं मंदिर साफ करना चाहता हूँ। सेवा की भीख मांगनी पड़ती है कि मुझे सेवा दे दीजिए। वो घबरा गए कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप हमसे सेवा की भीख मांग रहे हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, वो मंदिर साफ करने की सेवा आप करेंगे? बोले हाँ, ये मेरा सौभाग्य होगा, भगवान का मंदिर साफ करना है। तो उन्होंने उनसे भीख मांगी। तो जो हमें सेवा मिले उसके लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ये सेवा मिले। क्यों धन्यवाद देना चाहिए जब सेवा मिलने पर? सेवा मिलने पे कृतज्ञ क्यों होना चाहिए? भगवान की कृपा है, भगवान के निकट जाने का अवसर है। ये नहीं कि जो मेरे पसंद की सेवा वो मिली तो थैंक यू, और मेरे पसंद की सेवा नहीं मिली मुझे को सेवा दी उसको ही वो दे दी सेवा, है ना। कई बार लोग जब जन्माष्टमी आती है हर कोई कौन सी सेवा प्रेफर करता है? स्टेज वाली या आल्टर के सामने खड़े हो जाएं। कितने भक्तों सेवा लेंगे पार्किंग की, जाओ जी बहुत मुश्किल होती है सेवा, दूर पार्किंग में खड़े रहो, पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे भगवान के, लोगों की गालियां सुनो, वो भी सेवा है। तो कोई भी सेवा मिल जाए, ठाकुर जी की कोई भी सेवा मिले उसके लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए और मानना चाहिए बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ये सेवा मिली है, ओके। तो पहला एटीट्यूड जो होना चाहिए ग्रेटिट्यूड का, और कुछ भी सेवा करने को तैयार होना चाहिए। जैसे चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है लेकिन मंदिर साफ कर रहे हैं, पर जगन्नाथपुरी के राजा थे राजा प्रताप रुद्र, है ना। तो राजा प्रताप रुद्र जब जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई तो राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया, जगन्नाथ जी के रथ के सामने खुद झाड़ू मारा, राजा होकर उन्होंने झाड़ू लगाया, सड़क पर सफाई की। तो चैतन्य महापुरुष जब ये देखा कि राजा होकर वो सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हुए उनसे। तो सेवा का पहला एटीट्यूड होना चाहिए विनम्रता और कृतज्ञता के साथ, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है, ये सेवा क्यों उसको क्यों मिल गई, मुझे क्यों सेवा नहीं मिली। सभी सेवाएं एक समान हैं और उसको बड़ी हमें कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए, ओके। तो पहला था टाइमिंग, दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड में पहला पॉइंट आया कृतज्ञता, और वो दूसरा पॉइंट है एटीट्यूड के अंदर कि सेवा किसकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, हाँ सेव्य की, जो हमारे स्वामी हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। मुझे ठीक नहीं लग रही सेवा, छोड़ के चले गए, है ना, मेरा मूड खराब हो गया मैं सेवा कर रहा था उसने जाके मुझे डांट दिया मैं जा रहा हूँ, नहीं। सेवा होना चाहिए, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना है, और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी क्यों ना सहना पड़े हम सहेंगे। हनुमान जी भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं। हनुमान जी ने सीता मैया से पूछा, सीता मैया श्रृंगार कर रही थी अपना,
ये सीता मैया आप ये बीच में लाल लाल क्या लगाते हैं? बोले सिंदूर है। बोले क्यों लगाते हैं सिंदूर? कहते भगवान राम प्रसन्न होते हैं। बोले अच्छा, सिंदूर से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर हनुमान जी ने क्या किया, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। भगवान राम अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे थे, हनुमान जी उनके सामने आ गए। बोले ये क्या हनुमान, ये क्या कर दिया? बोले स्वामी आपको, प्रभु आपको पसंद है ना ये सिंदूर, इसी में पूरा सिंदूर लगा लिया। भगवान इतने हंसे कि कितनी सरलता है इनमें। तो जो मालिक को प्रसन्न करे, जो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करे, वो हमें करने को तैयार होना चाहिए। उसमें अपना नहीं, अपना स्टाइल मारने के लिए नहीं। शीला प्रभुपाद जी एक बारी वृंदावन में थे, और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर, देखा आपने राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में, वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, और बहुत मक्खियाँ आ रही थी प्रभुपाद जी के आसपास। सो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे श्रुता कीर्ति प्रभु, वो प्रभुपाद को चामर कर रहे थे। और श्रुता कीर्ति प्रभु सोच रहे थे क्या मेरा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी को मैं चामर कर रहा हूँ। तो बड़े स्टाइल से चामर कर रहे थे, यूँ यूँ करके, है ना, और बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं स्टाइल से चामर कर रहा हूँ। अब स्टाइल से चामर तो कर रहे हैं, लेकिन मक्खियाँ वहीं हट नहीं रही। सो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, बार बार मक्खियाँ हटा रहे हैं, और वो आराम से चामर यूँ किए जा रहे हैं। प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, ये अपना स्टाइल मार रहा है। प्रभुपाद किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को भेजो, है ना। तो एक और भक्त थे, नए नए भक्त थे, उनको लाया गया, उनको बिठाया गया, और वो जोर जोर से चामर कर रहे हैं ऐसे, है ना, और सारी मक्खियाँ हट रही हैं। प्रभुपाद दिस इज़ गुड। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, कोई फ़ोटो खींच रहा नहीं खींच रहा मेरी सेवा करते हुए, सब देख तो रहे हैं मुझे, नहीं। सेवा करते हुए केवल एक ही एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ भी करना पड़े जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो प्रसन्न हो जाए, वो पर्पस तभी सर्व होगा। अब वो पूरा स्टाइल से चामर कर रहा है लेकिन मक्खियाँ तो हट नहीं रही, फ़ायदा क्या हुआ आपके स्टाइल से चामर करने का। तो दूसरा जो एटीट्यूड में आता है कि हमें भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। भगवान ने एक बार एक लीला की, भगवान द्वारका में थे, और भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और कहा हे नारद मुनि मेरे सर में दर्द हो रहा है। भगवान के सर में दर्द, क्या करेंगे, किस वैद्य को बुलाऊं? किस वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने शुद्ध भक्तों की चरणों की रज मिल जाएगी, तो वो जो चरणों की रज मेरे लिए बाम का काम करेगी, मेरी सरदर्द ठीक हो जाएगी। तो बोले भगवान आपको कौन सा भक्त चरणों की रज देगा? बोले पता तो करके आओ, नारद मुनि जी पूरी सृष्टि में घूम लिए, वैकुंठ लोग चले गए, बोला भगवान के सर में दर्द हो रहा है, ओह क्या करना है, चरणों की रज, इधर नर्क में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। घूमते घूमते व्रज में आए, गोपियों को बताया भगवान के सर में दर्द हो रही है, गोपियाँ इतनी परेशान हो गई, बोली क्या चाहिए? बोले चरणों की रज। बोले अभी लो। सब चरणों की रज देने लगी। नारद ने बोला आपको डर नहीं लगेगा नरक जाने में? बोली ये सुनकर कि भगवान के सर में दर्द है हम नरक में चले गए, और तो ये चरणों की रज ले जाओ, भगवान का सर का दर्द ठीक हो जाए, हम कहीं भी जाने को तैयार। तो ये भाव होना चाहिए। शीला प्रभुपाद जी संन्यास लेकर राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में, आराम से जप कर रहे थे, पुस्तकें लिख रहे थे, बड़ा शांतिमय जीवन था। प्रभुपाद सब कुछ छोड़कर अमेरिका गए। अमेरिका में कहाँ गए? न्यूयॉर्क में बॉवरी स्ट्रीट। बॉवरी स्ट्रीट बिल्कुल नरक के समान था, वहाँ सारे हिप्पीज रहते थे, इतनी गंदगी, और सारे हिप्पीज चरस गांजा पी रहे हैं, LSD पी रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं, बदबू आ रही है। उन सब के बीच में प्रभुपाद जी रह रहे हैं, कहाँ वृंदावन का वातावरण, कहाँ वो बॉवरी स्ट्रीट, बिल्कुल जैसे नरक में आ गए हों। लेकिन नरक में क्यों आए प्रभुपाद? अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो सेवा करने के लिए हमने कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना है, इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े हमें जाने को तैयार होना चाहिए, है ना। ये है, तब है सेवा का आनंद। श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में है, और उनके विरह समझते हैं सेपरेशन में, और उनके सेपरेशन में वो इतनी दुखी हैं, खाना पीना सब छोड़ दिया, सोना खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया,
और ऐसा लग रहा है कि अभी शरीर छोड़ने वाली हैं, अभी शरीर छोड़ने वाली हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ नहीं रही। क्यों नहीं शरीर छोड़ रही? उनको बोला कि अगर अभी मुझे मृत्यु प्राप्त हो गई तो कृष्ण को मालूम चलेगा कि मैंने शरीर छोड़ दिया, तो कृष्ण को दुख होगा, इसलिए मैं शरीर भी नहीं छोड़ूंगी और दुखी भी रहूंगी। तो वो कहती है कृष्ण की सेवा में जो दुख मिले वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। क्या? कृष्ण की सेवा में जो हमें तकलीफ सहनी पड़ती है, जो दुख मिलता है, वो मेरा क्या है? सबसे बड़ा सुख है। आप पुस्तक वितरण करने की सेवा में जाते हैं, कितने लोगों ने पुस्तक वितरण की सेवा की इस बारी? ज़्यादा भक्तों ने नहीं की, किया तो हाथ जोर से खड़ा कीजिए। बड़ा तो कभी कुछ दुख हुआ था सेवा करते हुए, कुछ परेशानियां हुई थी पुस्तक वितरण करते हुए? क्या परेशानी है? हाँ, और किसी को कुछ कष्ट सहना पड़ा पुस्तक वितरण करते हुए? और कोई मायावादी मिल जाते हैं, किसी को मार पड़ी पुस्तक वितरण करते हुए? डांट पड़ी? हाँ, कहीं भक्त हमारे पुस्तक वितरण करें, कोई थप्पड़ मार के चला गया, कोई थूक के चला गया, एक बार पुलिस पकड़ के ले गई, क्यों ले आ रहे हो? तैयार हो आप? पुलिस पकड़ के ले जाए आपको जेल में, यहाँ क्यों पुस्तक वितरण कर रहे हो? जाने को तैयार हो गए हैं? तो भक्तों को मिला, भक्तों ने ऐसे कष्ट सहे। अभी हमारे था किसी को, एक पागल सा व्यक्ति था, उसने दारू पी हुई थी, वो पुस्तक लेने लगा, पुस्तक भी जो खूब से थप्पड़ मार के गाड़ी में चला गया, तो उसमें बड़ा गुस्सा आया। आप सोचिए, तो प्रभुपाद जी को याद किया, ठीक है प्रभुपाद आप मुझे शक्ति दीजिए। तो भगवान की प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट सहे, जलदूत में गए, दो बारी हार्ट अटैक्स हुए, इन कष्टों को क्यों सहा? तो भगवान की सेवा जब हम करेंगे तो कई बार कुछ मुश्किलें आती हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी। कई बार क्या होता है, हम सेवा कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आई, हम सेवा वहीं छोड़ देंगे, प्रभु ये सेवा मुझसे नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। नहीं, उन मुश्किलों को सहना है, और वो जो तकलीफें हमारे होंगी, जो हमें दुख मिलेगा, वो हमारा सबसे बड़ा सुख है, हमें ऐसे मानना चाहिए, ठीक है ना? तो जितना हम कष्ट सहेंगे भगवान की सेवा के लिए, उतनी ज़्यादा हमें कृपा मिलेगी, उतनी कृपा मिलेगी, ठीक है? तो एटीट्यूड में पहला क्या पॉइंट था? पहला था टाइम, टाइम के बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद एटीट्यूड में कुछ सब पॉइंट्स थे। पहला सब पॉइंट क्या है? ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ। दूसरा, केवल जिसकी सेवा कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और तीसरा, सेवा करने में जो भी कष्ट आए उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है? ये एटीट्यूड है। फिर है तीसरा पॉइंट आता है एस, स्कोप। सेवा का स्कोप क्या है, है ना? जब लक्ष्मण जी रावण से युद्ध कर रहे थे, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय, लक्ष्मण जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो शक्ति बाण से रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, है ना? और हनुमान जी को बोला गया संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी गए, पता नहीं संजीवनी बूटी कहाँ से ढूंढे। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लाए। तो जब हम सेवा कोई मिलती है तो उसका स्कोप जानना चाहिए कि मैं व्हाट आई एम सपोज टू डू, करना क्या है, आप इस सेवा से चाहते क्या है, मुझे क्या क्या करना है, पूरा क्लियर कीजिए। हनुमान जी चाहते थे ये सेवा करने जा रहा हूँ, मुख्य उद्देश्य है बूटी पहुँचनी चाहिए। अब कोई साधारण भक्त होता, बूटी मिली नहीं मुझे, वापस आ जाता, पर्वत तो पहुँच गया, बूटी कैसी होती है वैद्य जी बताओ तो सी। बोले इतना टाइम नहीं है, इमरजेंसी है, पूरा पर्वत ही उठा के ले चलो,
देखी जाएगी जो होगा। जैसे मैंने गुंडीचा महाराज का उदाहरण दिया, चैतन्य महाप्रभु ने रिक्वेस्ट की कि मैं गुंडीचा मंदिर साफ करना चाहता हूँ, तो पूरा बताया मंदिर की सफाई का मतलब क्या। आपको बोला है प्रभु जी अभी रात को क्लास खत्म हो गई, मंदिर साफ करना है, तो आपका क्या प्रश्न होना चाहिए, मंदिर साफ करना है मतलब क्या है, कैसे साफ करना है। प्रभु जी खाली झाड़ू लगाना है क्या, कि पानी से धोना भी है, और इसमें क्या क्या प्रभु जी आल्टर तक भी साफ करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, पूरा क्लियर, पूरा स्कोप क्या है ये मालूम करना चाहिए, और उसके बाद उसी ढंग से हम उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कहीं हमारे मालूम नहीं हमारी सेवा का स्कोप क्या है तो हम कन्फ्यूज रहते हैं, है ना। स्कोप का अर्थ ये भी है, जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी के गुरु माया ने उनको आदेश दिया कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया, नहीं उसके बाद क्या प्रभुपाद रुक गए, नहीं, प्रभुपाद ने देखा सेवा का स्कोप और कहाँ कहाँ जा सकता है, तो प्रभुपाद कहाँ कहाँ गए, पूरे विश्व में घूमे, इंडिया में प्रचार शुरू कर दिया। तो स्कोप का मतलब है कि जहाँ सेवा हो सकती है उसको हम और आगे बढ़ाए, जितना फैला सकते हैं। हम जिस कंपनी में पहले काम करते थे वहाँ के जनरल मैनेजर बहुत स्मार्ट थे, किसी को कुछ इंक्वायरी करने के लिए भेजते थे तो वापसी में आते थे उनसे 10 क्वेश्चन पूछते थे, तो हम सोचते थे आपने तो ये तो पूछने को बोला ही नहीं था, उसके साथ अब 10 क्वेश्चन और पूछ रहे हो। बोले जब आप सब्जी में आलू खरीदने जाते हो तो टमाटर का भी रेट पता करके आओ टमाटर का क्या रेट है, तब आप इंटेलिजेंट हो। आपको सब्जी मंडी गए, आलू खरीदने गए, खाली आलू खरीद के वापस आ गए, नहीं आप आलू भी खरीदो साथ साथ में आसपास की सब्जी क्या भाव चल रहा है ये भी मालूम करके आओ, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो अच्छी सेवा क्या स्कोप है, जो सेवा मिली वो तो सेवा करनी अच्छे ढंग से समझ के, उसके अतिरिक्त और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ उससे जुड़ी वो भी करना, तो ये स्कोप में है। ओके, और फिर आता है लास्ट में क्या, क्यू, क्वालिटी। सेवा की जो हम करें टॉप मोस्ट क्वालिटी क्यों होनी चाहिए, टॉप मोस्ट क्वालिटी क्योंकि भगवान के लिए हो रही है, टॉप मोस्ट क्वालिटी। अभी आपको प्रसाद मिलेगा, आप क्या अपेक्षा करते हो, आप प्रसाद टॉप मोस्ट क्वालिटी का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। प्रसाद टॉप मोस्ट क्वालिटी का कब होगा, जब उसको भगवान को जो बनाया जाएगा भोग ऑफर होगा वो टॉप मोस्ट क्वालिटी का होगा। इसी ढंग से हम प्रतिदिन माला करते हैं, माला भी भगवान को एक ऑफरिंग है, माला कैसे होनी चाहिए, टॉप मोस्ट क्वालिटी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सेवा को निपटाने के लिए नहीं, औपचारिकता के लिए नहीं, चलो यार मिलिए निपटा दो किसी ढंग से, नहीं, टॉप मोस्ट क्वालिटी। जब गुंडीचा मंदिर मार्जिन हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे सफाई कर रहे थे अपने हाथों से जैसे उनके एक हाथ नहीं सौ सौ हाथ हों, और सब भक्तों को उन्होंने बोला कि पहले पूरे मंदिर में झाड़ू लगाओ और जितने भी घास तिनके उनको उठाओ, और उन्होंने बोला सब जितने घास तिनके उठा के बाहर फेंकेंगे, कौन कितनी गंदगी उठा के बाहर फेंकेगा इससे मालूम चल जाएगा किसने ज़्यादा मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा गंदगी किसने उठाई होगी, भगवान ने, महाप्रभु ने। फिर महाप्रभु ने सारी बाल्टी लेकर सब पानी से धोया, झाड़ू लगाया, और फिर पूरा इंस्पेक्शन के लिए गए, तो उसमें से कुछ भक्त तो बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ थोड़े ढीले भक्त होते हैं टाइम पास कर रहे थे, तो महाप्रभु ने उनको डांटा, ऐसे नहीं, इनसे सीखो ये कैसे कर रहे हैं। फिर उनको भी शर्म आई, उन्होंने भी अच्छा करना शुरू किया। तो हम जब सेवा करते हैं हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास देना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। टाइम पास नहीं करना, बस खत्म हो सेवा किसी ढंग से, मेरा काम पूरा हो गया, पूरा हृदय दे के उसमें करना चाहिए, तब भगवान के साथ हमारे हृदय का संबंध बनेगा। एक छोटा बच्चा होता है तो माँ उसकी सेवा करती है, तो जो भी माँ बच्चे की सेवा करेगी उसको टॉप मोस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देगी, ऐसा नहीं कि बस किसी ढंग से इसको निपटाएं, है ना। तो ये ऑफिशियल काम नहीं है, ये हृदय का काम है, ये कोई सरकारी काम नहीं है किसी ढंग से लिखा पढ़ी करके निपटा दो यार,
प्रभु जी क्या बोलेंगे, कर दी से हो गई या निपट गई ना। भगवान क्या देखते हैं, भावग्राही जनार्दना, आप किस अच्छे भाव से, कितनी मेहनत करके, कितने कष्ट सहते हुए इस सेवा को करते हो। तो क्वालिटी, तो जितना ये TSQ है, पहला क्या था, टाइम। तो जैसी ढंग से माला, जप माला भी करते हैं सही टाइम से। बेस्ट टाइम क्या है जप माला करने का, सुबह सुबह जल्दी उठ के। ऐसा नहीं कीर्तनीय सदा हरी, मेरी माला खत्म हो रही है रात को 12 बजे। देखो प्रभु जी पूरा दिन मेरा हाथ माला में रहता है बस, है ना, देखो हमेशा ही माला करता रहता हूँ। सुबह सुबह अच्छे ढंग से माला करनी चाहिए, टाइम, एटीट्यूड। माला करते हुए क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ओके, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही कृतज्ञता के साथ कि मुझे माला हरि नाम लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और स्कोप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, यानी कि 16 माला मैक्सिमम है। 16 माला क्या है, मिनिमम है। एक बार हमारे यूथ फोरम के भक्त थे, वो परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए। महाराज मॉर्निंग वॉक पे जप कर रहे थे और ये लड़का था यूथ फोरम का, सीधा चल रहा था। महाराज ने बोला आप भी माला कर लो, मतलब महाराज मेरी 16 माला हो गई। महाराज ने बोला 16 माला से ज़्यादा करना अपराध नहीं है आपका। तो स्कोप का मतलब है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम माला करें, और क्वालिटी क्या है, अच्छे से अच्छी माला करें जिसको हम सुन सकें। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम जो सेवा हमें मिलती है उसको सही चेतना के साथ, सही एटीट्यूड के साथ करने का प्रयास करें। एक बारी वर्णन आता है कि हनुमान जी को एक ब्राह्मण मिले और उस ब्राह्मण ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप बोलते हो कि आप भगवान के बहुत बड़े सेवक हो, आपको मालूम है भगवान राम के पास एक डायरी है, उस डायरी में सारे सेवकों के नाम लिखे हैं, जाके चेक तो कर लो आप रजिस्टर्ड हो गए नहीं। तो हनुमान बोले कोई बात नहीं, इसमें क्या कोई डाउट ही नहीं है, सबसे सेवा तो मैं करता ही हूँ। तो भगवान राम के पास गए, बोले प्रभु आपके पास कोई एक डायरी है मैंने सुना है जिसमें आपके सेवकों के नाम है। राम जी ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बोले हाँ है दिखाइए ना वही डायरी, क्या वो पढ़िए देख लो, वहाँ पढ़िए। फटाफट भाग के जाते हैं हनुमान जी, डायरी खोलते हैं, सारे पन्ने पलट लिए, उनका नाम ही नहीं है। अरे हैरान है, मेरा नाम ही नहीं है, वो ब्राह्मण ठीक कह रहा था ऐसे ही, मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, कूपन नहीं मिलेगा मुझे, कोई नाम ही नहीं है। तो बड़े परेशान हो गए। तो भगवान राम ने बोला क्या ढूंढ रहे हो, बोले प्रभु बुरा मत माने मैं तो सेवा करता हूँ, मेरा नाम ही नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है एक और डायरी देता हूँ। तो भगवान ने बिल्कुल अपने हृदय से एक डायरी निकाली, ये डायरी लो। डायरी, उस डायरी में बहुत पन्ने थे, हर पन्ने पे हनुमान 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 हनुमान। अरे ये क्या है प्रभु, दो डायरी क्या मतलब है। तो भगवान राम ने बोला कि वो जो पहली डायरी थी जिसमें बहुत से नाम लिखे हैं, उनमें उन भक्तों का नाम है जो हमेशा मेरा चिंतन करते रहते हैं। ये जो डायरी मैंने दिखाई जिसके हर पन्ने पे आपका नाम है, ये उन भक्तों का नाम है जिनका मैं चिंतन करता हूँ। ठीक है ना। तो नवदा भक्ति में दास्य भाव के जो आचार्य कौन हैं, हनुमान जी। तो हनुमान जी से हमने सीखना है कितने वो सेवा के लिए उत्साहित, सेवा के लिए तत्पर, है ना। सीता मैया ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कभी तो आप छोटे दिखते हो, कभी इतने बड़े हो जाते हो, आपका असली साइज़ क्या है। हनुमान जी ने बोला मेरा कुछ भी साइज़ हो सकता है, सेवा पर निर्भर करता है। सेवा चाहिए छोटी तो छोटी, बड़ी तो बड़ी। अब देखिए रामायण में पूरे हीरो थे हनुमान जी, ठीक है ना। महाभारत में हनुमान जी ने कहाँ सेवा की, रथ पे, कहाँ पे रथ पे थे, हाँ अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे पे थे, वहाँ की सेवा क्या थी, अर्जुन को किसी भी दी गर्जन करना, जोर से चिल्लाना, और कोई सेवा नहीं। अब भगवान कृष्ण ने बोला होगा हनुमान जी आप यहाँ बैठ जाओ झंडे के ऊपर, बस खाली क्या करना है प्रभु मुझे चिल्लाना है। तो हमारे ऐसा कोई व्यक्ति होता है प्रभु थोड़ा रिकॉर्ड चेक करो मैं कौन हूँ,
रामायण का हीरो हूँ, ये सारे कौरवों को एक मैं 18 दिन में लड़ाई नहीं चले दूंगा, एक दिन में मार दूंगा, आप मुझसे क्या सेवा करवा रहे हैं, आपको पता नहीं मेरा क्या पोटेंशियल है, क्या टैलेंट है, और आप मुझे बस बोले झंडे पे बैठ के चिल्लाते रहो, ये क्या मतलब है, मैं कोई अच्छी सेवा दो, मेरे स्टैंडर्ड की सेवा दो, मेरा बल देखो कितने हैं। नहीं, हनुमान जी को वो सेवा मिली, वो भी बड़ी उत्साह के साथ उन्होंने की, ऐसी गजना की कि कौरवों के हृदय फट जाते थे। तो जो भी हमें सेवा मिले उसको पूरे उत्साह से करना चाहिए, ये हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं। तो इस जंग से हमें यहाँ मंदिर में आके सेवा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, छोटी से छोटी सेवा भी क्यों ना मिल जाए, उससे क्या होता है हमारा एक संबंध बना रहता है। अगर आप सेवा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आपको कोई ऐसा इंस्पिरेशन नहीं होगा, क्लास जाऊँ ना जाऊँ छोड़ो यार आज मन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि वहाँ जाके मैंने कुछ करना है, ये मेरी सेवा है, तो अब क्या होंगे, आप बाध्य हो जाएंगे और आपका एक कनेक्शन बना रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।